खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जनगण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ 5/7 पर। शाबाश इंडिया में आज देखिए कि जादू की छड़ी क्या कमाल कर सकती है। साथ ही देखिए एक ऐसी तकनीक जिसके बाद आपसे कोई भी आपकी सीट नहीं छीन सकता। और आज ये भी देखिए कि जब गांव में चलेंगे बैल तो कैसे होगा पूरा गांव रोशन। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा और देश के इकलौते पॉजिटिव खबरों वाले शो शाबाश इंडिया में। आज की हमारी तीनों कहानियां बेहद कमाल की हैं और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। खास बात यह है कि ये सारे आविष्कार किसी प्रयोगशाला में नहीं किए गए बल्कि आपके और हमारे जैसे आम हिंदुस्तानियों ने किए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर हम आपको दिखाएंगे एक कमाल की छड़ी। ये जादुई छड़ी साइज में बहुत छोटी है लेकिन कमाल बहुत बड़े बड़े करती है। जमीन में खाद तो डाल दी लेकिन क्या काफी है? पानी अभी और देना है या बंद कर दूं? फसल काटने लायक है या अभी इंतजार करूं? आसमान में बादल है, क्या आज बारिश होगी? ये सवाल सिर्फ योगेंद्र त्यागी जी के दिमाग में नहीं है। हिंदुस्तान का हर किसान जब अपने खेत में फसल बोता है तो उसके जहन में यही सवाल आते हैं, आखिर मेरी फसल कैसी होगी, मैं पानी डालूं तो कब डालूं, इसमें खाद डालूं या ना डालूं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करूं या ना करूं, बारिश आएगी या नहीं। ये सारे सवाल हिंदुस्तान के हर किसान के जहन में होते हैं और आज तक इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ वो अपने तजुर्बे के बल पर हासिल करता था। लेकिन अब हमारे ही देश के दो इनोवेटर्स ने एक ऐसी शानदार डिवाइस, एक ऐसा रामबाण तैयार किया है जो न सिर्फ किसानों के हर सवाल का जवाब देगा बल्कि हमारे देश की फसल को भी और ज्यादा बढ़ाएगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं गौरव और अंकित से। मेरठ में रहने वाले गौरव और अंकित पेशे से इंजीनियर हैं। ये दोनों भी दूसरे लोगों की तरह किसी गैर मुल्क में लाखों डॉलर कमा सकते थे, लेकिन इन दोनों का जुनून है देश के किसानों के लिए कुछ करना और इनकी इसी कोशिश का नतीजा है ये स्लीक सा दिखने वाला ये यंत्र। नाम है पिकनो। हमारे साथ गौरव हैं, अंकित हैं और पिकनो है। ये पिकनो क्या चीज है और किसानों के लिए ये किस तरह से फायदेमंद है, आइए सबसे पहले पूछते हैं। आज की तारीख में किसान जो भी चीज कर रहा है वो सब आंखें बंद करके कर रहा है कि वो मिट्टी छूता है और उससे पता करने की कोशिश करता है कि उसमें नमी कितनी है। बट एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो एजम्पशन पे नहीं चल सकता, प्रिसीजन पे चलने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा एक सेंसर है जिसको हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर। सॉइल मॉइस्चर सेंसर नाम से ही पता लग रहा है, ये सिर्फ मिट्टी की नमी पता करता है। आपको अगर मिट्टी की नमी का अंदाज़ा हो जाए कि मेरी अनाज और मेरी फसल के हिसाब से क्या मिट्टी की नमी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप आगे के कदम उठा सकते हैं कि मुझे पानी देने की ज़रूरत है या नहीं है। तीन सेंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो आपको सारी जानकारी दे देते हैं कि आपकी कितनी नमी है, सॉइल में कितना टेम्परेचर है, एयर ह्यूमिडिटी वगैरह कितनी है, टेम्परेचर कितना है। लेकिन मुझे बताइए कि हमको ये सारे सेंसर्स से पता तो चल गया लेकिन किसान को ये जानकारी कैसे मिलेगी? ये सारी की सारी हम सुविधाएं किसान के हैंडसेट पे, मोबाइल्स पे प्रोवाइड कराएंगे थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स जो कि लोकल लैंग्वेज में किसान को उससे प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन उसकी सॉइल से रिलेटेड या उसके टेम्परेचर से रिलेटेड उसकी क्रॉप पे इफेक्ट करती है। पिकनो में मौजूद है चार सेंसर
जो जमीन में गाड़े जाने के बाद से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पहला सेंसर जमीन में मौजूद नमी को मापता है, दूसरा जमीन के तापमान को, तीसरा सेंसर हवा के तापमान और नमी को, और चौथा सेंसर सूरज से मिल रही रोशनी और गर्मी को। अगर मैं एक सिंगल डिवाइस की कॉस्ट करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 26,000 बैठेगा, जो मेरे हिसाब से एक किसान के लिए काफ़ी है। अगर ये बल्क में बने तो इसकी कॉस्ट बिलो 1,000 आराम से पहुंच सकती है। आपने पिकनो की हाई फाई टेक्निक को तो समझ लिया, लेकिन अब ये भी समझिए कि कैसे ये आंकड़े किसानों के काम आ सकते हैं। पिकनो से दर्ज सारे आंकड़े एक सर्वर पर जाते हैं, जहां से किसानों को मैसेज और कॉल के जरिए इत्तला दी जाती है। लेकिन पिकनो से आखिर किसानों को फायदा होता कैसे है, ये जानने के लिए हमने मुलाकात की किसान योगेश्वर त्यागी से। तो देखा आपने किस तरह से छोटे छोटे सेंसर्स से हम अपने देश की पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बदल सकते हैं। पिकनो के अंदर बहुत सारे फायदे हैं, पिकनो से बहुत सारी चीजें आसानी से किसानों तक पहुंच सकती हैं, लेकिन आखिर इससे फायदा होता किस तरह से और किसानों को कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये जानते हैं एक किसान त्यागी जी से। त्यागी जी, ये बताइए, पिकनो आपने अपने खेत में लगाया, पहले तो ये बताइए दिक्कतें होती किस तरह की थी आपको? किसान के साथ कई दिक्कतें हैं, जैसे सबसे पहली दिक्कत है पानी की। हमें ये नहीं मालूम चलता कि खेत की किस फसल के लिए कितने पानी की आवश्यकता है। ठीक है, हमें सिर्फ एक तजुर्बे से ये पता चलता है कि जैसे धान का खेत है, हमें उसके लिए बहुत पानी चाहिए। ये तजुर्बा है हमारा, हमारे बुजुर्ग देखते आए हैं, हम देखते आए हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पानी देते थे। तब से ये हाथ लगाए, इसने हमें कम से कम 50% पानी को बचाया है। इससे मोबाइल कनेक्टेड है, जिन्होंने मुझे ये दिया उनका मोबाइल इससे कनेक्टेड रहता है, उनके पास डाटा जाते हैं, वहाँ से टेक्स्ट मैसेज मेरे पास आ जाते थे तुरंत कि अब आपने पानी ज़्यादा दे दिया है, अभी रोक दो। जबकि मुझे बहुत गलत लगा, मुझे लगा कि नहीं यार पानी तो अभी कम है, लेकिन उन्होंने जब दोबारा टेक्स्ट मैसेज खुद फिर फ़ोन किया कि नहीं घबराओ मत, आप पानी मत दो, हमारी जिम्मेदारी है, तो मैंने देखा कि उसका फ़ायदा हुआ। तो देखा आपने इस जादू की छड़ी का कमाल। इस पिकनो से ना सिर्फ ये पता लग सकता है कि बीज बोने का सही समय क्या है, खेतों में कितने पानी की जरूरत है, फसल में बीमारी होने की क्या आशंका है, बल्कि इससे हम खेती के बीमा भी बहुत कारगर ढंग से कर सकते हैं। वेल, आपने स्मार्टफोन इस्तेमाल किए हैं, स्मार्ट वॉचेस के बारे में सुना होगा, स्मार्ट क्लासेस देखी होंगी और स्मार्ट सिटीज के बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने स्मार्ट चेयर के बारे में सुना है? अब आप कहेंगे भाई चेयर में क्या स्मार्ट है, ये तो बैठने के काम आती है। जनाब, चेयर में भी स्मार्टनेस हो सकती है, और ये स्मार्ट चेयर बनाई है हमारे एक बेहद नन्हे लेकिन बेहद स्मार्ट वैज्ञानिक ने। चार पाए, एक छोटी सी सीट, साधारण सा डिजाइन और आम बनावट। इस कुर्सी को देखकर शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें खास क्या है, पर शायद अब तक आपकी नजर इस कुर्सी में लगी इन एलईडी लाइट्स पर नहीं पड़ी, जो इन कुर्सियों को बाकी कुर्सियों से बिल्कुल अलग बनाती है, एक सबसे अलग स्मार्ट चेयर। अब आप पूछेंगे कि स्मार्ट कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। स्टेडियम में कोई मैच हो, या किसी ऑडिटोरियम में कोई खास कार्यक्रम, या फिर थिएटर में आपकी पसंदीदा फिल्म, ऐसी किसी भी जगह पर हम सबसे पहले अपने लिए बैठने की जगह तलाशते हैं, लेकिन बड़ी जगह, भीड़ और कई बार अंधेरी की वजह से हमें खाली सीट के बारे में पता ही नहीं चल पाता। सीट तलाशने के चक्कर में हमें तो परेशानी होती ही है, साथ ही दूसरों का मजा भी किरकिरा हो जाता है, लेकिन यह आविष्कार इस सारी परेशानी को दूर कर सकता है। सिनेमा हॉल में जो लोग टॉर्च दिखा के बताते हैं कि यहाँ पे सीट है हमारी, वहाँ पे सीट है, तो वो सब जो है वो बंद हो जाएगा और लोगों को डिस्टर्ब जो होता था वो कम हो जाएगा। ये कुर्सियाँ काम कैसे करती हैं, ये जानने से पहले आपको मिलवाते हैं इनको बनाने वाले होनहार इनोवेटर राहुल से। राहुल को ऐसी कुर्सी बनाने का आइडिया तब आया जब उन्हें खुद कई बार ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। मैं एक लेक्चर में गया था, तो वहाँ पे जो लेक्चरर थे वो हमेशा बता रहे थे कि अगर किसी के बाजू में सीट खाली हो तो प्लीज़ हाथ ऊपर कीजिए। तो वहाँ पे दूसरों के जैसे मुझे भी एक स्पार्क मिला कि एक इंडिकेशन होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और मैंने आइडिया छोड़ दी थी,
लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि स्कूल में इंस्पायर अवार्ड की जो एडवर्टाइजमेंट थी वो आ गई, और फिर सोचा कि आइडिया सिंपल हुई तो क्या हुआ, ठीक है तो कुछ नया है तो बना लेंगे। राहुल ने इस परेशानी का बहुत ही आसान लेकिन कारगर हल निकाला है। इन कुर्सियों में लगी एलईडी लाइट्स तब तक जलती रहती हैं जब तक ये कुर्सी खाली होती है, और जैसे ही कोई शख्स इन कुर्सियों पर बैठता है तो ये लाइट ऑफ हो जाती है। यानी अब आप दूर से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी चेयर खाली है और कौन सी नहीं। यहाँ पे मैंने एक ऑप्टो सेंसर यूज किया है जो IRS पे वर्क होते हैं। जो अब तक इस यहाँ पे दो पार्ट है उस सेंसर में, एक IR ट्रांसमीटर और IR रिसीवर। तो जब तक ट्रांसमिटेड रेज रिसीवर को नहीं मिलेंगे तब तक ये जो LED स्ट्रिप होगी वो ग्लो होगी और हमें दूर से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीट खाली है। ये तकनीक कैसे काम करती है अब जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल इन चेयर्स में बैठने की जगह पर एक ऑप्टोमीटर लगाया गया है जो किसी के बैठने पर मशीन को सिग्नल भेजता है और LED लाइट्स बंद हो जाती हैं। राहुल ने अपने इस आविष्कार को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसे सूरज की रोशनी के अनुसार एडजस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यानी आप इसे बाहर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम खूबियों के बाद ये जानना भी अहम है कि बड़े बड़े स्टेडियम और ऑडिटोरियम्स में इस तकनीक का इस्तेमाल कितना खर्चीला होगा। मैंने यहाँ पे दो चेयर्स बनाए हुए हैं, तो एक ये जो चेयर है इसका सेंसर जो है वो किसी भी एटमोसफियर पर डिपेंड नहीं करता, सनलाइट हो या अंधेरा हो ये अपना अपना वर्क होता है, तो इसीलिए ये थोड़ा महंगा है, 400 रुपये पर चेयर। और जो दूसरी चेयर है वो LDR सेंसर है, वो उसे एडजस्ट करना पड़ता है सनलाइट के मुताबिक। तो जब सनलाइट ज़्यादा हो तो वो वर्क होगा कि नहीं गारंटी नहीं दे सकते, तो इसलिए वो 100 रुपीज़ पर चेयर ऐसा कॉस्ट है। तो देखा आपने कैसे एक नन्हे होनहार ने अपनी सूझबूझ से उस परेशानी का हल निकाल लिया जिससे हम सब ही कभी ना कभी जूझते आए हैं। ऐसे ही होनहारों की वजह से तो कहा जाता है शाबाश इंडिया। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था हीरा और मोती की। जी हाँ, वाराणसी के बैलों का एक जोड़ा जो शहर में बेहद फेमस हो चुका है। अब आप पूछेंगे बैलों की जोड़ी फेमस क्यों हो गई? वो इसलिए जनाब क्योंकि ये बैलों की जोड़ी अपने मालिक के लिए जरूरत भर की बिजली खुद पैदा कर देती है। हाँ, आपको यकीन नहीं हुआ ना, चलिए आपको वाराणसी लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये शानदार आविष्कार। अगर हम किसी एक तस्वीर की बात करें जो हमारे देश की पहचान है तो वो यकीनन यही होगी, कंधे पर हल रखे एक किसान और बैल की जोड़ी। बैल हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और हमारे किसानों के सुख दुख का साथी। लेकिन क्या खेतों को जोतने और बोझा ढोने के अलावा भी बैल को कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है? यही पता लगाने शाबाश इंडिया की टीम पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि वाराणसी। वाराणसी में हमारी मुलाकात हुई वाचस्पति त्रिपाठी से। पेशे से फार्मिस्ट वाचस्पति त्रिपाठी का सपना है भारत के किसानों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना, और वो भी अपने इस आविष्कार के जरिए। आपने बैलों की ताकत से चलने वाली चक्की और पानी के कोहलू देखे होंगे, लेकिन बैलों की इसी ताकत का इस्तेमाल कर वाचस्पति ने बनाई है बिजली। साधारण व्हील्स और गियर्स की मदद से वाचस्पति ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जिसकी एक तरफ बैलों को जोता जाता है और दूसरी तरफ बिजली पैदा करने वाले अल्टरनेटर को लगाया जाता है। इस पूरे उपकरण को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जब बैल चलते हैं तो गियर्स के डिजाइन की बदौलत दूसरे सिरे पर लगे मोटर को काफी तेज रोटेशन मिलता है जिससे करंट पैदा होता है। इस मशीन को एक इन्वर्टर के साथ भी जोड़ा जा सकता है ताकि बिजली को जमा किया जा सके और जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए। इसके पीछे जो तकनीक है बहुत ही सामान्य है, आपने देखा होगा रेहट विधि, गाँव में पहले रेहट चला करते थे, उसमें हमने सिर्फ उस पर गियर लगाया है और फ्री व्हील लगाया है और फ्लाइंग व्हील लगाया है जिससे कि उसका पावर जितना होता है उसको मेंटेन किया गया और फ्लाई व्हील से उसको बढ़ाया गया।
जाहिर है वाचस्पति त्रिपाठी की इस तकनीक के जरिए ग्रीन और क्लीन एनर्जी पैदा की जा सकती है। इस तकनीक की मदद से किसान अपनी जरूरत के लायक बिजली खुद बना सकते हैं। इसके अलावा इससे किसान के लिए बैलों की उपयोगिता भी बढ़ेगी और गांव की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। इस तकनीक में करीब 1 से 2 घंटे तक ही बैलों के चलने से इन्वर्टर की बैटरी को पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है और एक सामान्य घर की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। वाचस्पति त्रिपाठी के मुताबिक इसमें ज्यादा क्षमता के पावर जनरेटर मोटर को लगाकर इतनी बिजली पैदा की जा सकती है कि खेत सींचने के लिए मोटर तक को चलाया जा सके। पक्की बात मान लीजिए कि इसकी रेजिस्टेंस फ्रिक्शन घटेगा और इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ने के कारण हम लोग 10-10, 12-12 बैटरी 6 घंटे में चार्ज कर लेंगे और इसका परिणाम यह है कि एक गांव को आप पूरा प्रकाशमय कर सकते हैं। पक्की बात है ये। वाचस्पति त्रिपाठी का यह आविष्कार अभी भले ही एक प्रोटोटाइप हो लेकिन वो इसे एक विकसित तकनीक का रूप देना चाहते हैं। अभी इस पूरे सेटअप को लगाने में 1 से 1.25 लाख का खर्च आता है लेकिन वाचस्पति को उम्मीद है कि अगर सरकार सहयोग करे तो इसका खर्च बेहद कम किया जा सकता है। तो अपना ये फेवरेट शो देखते रहिए, आविष्कार करते रहिए और अपने आविष्कारों के बारे में हमें जरूर बताइए ताकि हम उनको भी अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सके। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #ShabashIndia पर ट्वीट भी कर सकते हैं।